the angular momentum, the angular momentum of electron, the angular momentum of electron in d orbital, in d orbital, r orbital is equal to जैसे ये s और p के लिए निकाला है ना, आप d के लिए निकालो orbital angular momentum for d orbital. इस formula को d orbital के लिए लिखिए. l d के लिए कितना होता है? दो. करो l की जगह कहाँ क्या? एक बार फिर से question करो. The angular momentum of electron in d orbital is equal to. क्वेश्चन आ चुका है अब इसके बाद जो कंप्यूटर आया है उसको
आंसर में है कि बाकी जो तीन बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं एंड एल और एस आंसर है. तीन वैल्यू तो क्या हो, माइनस वन जीरो प्लस पांच है तो
माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू सात है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू वैल्यू माइनस से प्लस तक इंक्लूडिंग जीरो और टोटल वैल्यू सब अभी लिखा है ये ट्वेल्व प्लस वन से टोटल वैल्यू और कहां से कहां तक माइनस थ्री से प्लस थ्री माइनस टू से प्लस टू माइनस वन से प्लस वन इंक्लूडिंग जीरो सब में ना।
क्वांटम नंबर ब्रैकेट में एस।
क्या MS, MS कैसे S suffix, अगर एम एस रहा तो मैग्नेटिक की बात होगी, अगर एम एस रहेगा तो स्पिन की, ये याद रखेंगे। अब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन तो पता चल गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में कैसे घूमे हुए हैं वो स्पिन बताता है। ठीक, लिखो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Thank you।
अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के डबलेट ट्रिपलेट्स है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आएगा तो ठीक है, अगर एस से आएगा क्वेश्चन तो जो फॉर्मूला लिखने जा रही है उसी का है। स्पिन क्वांटम नंबर लिख रही हूँ, नहीं नहीं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जब चीटिंग वगैरह होती है कोई एग्जाम में उसका तो जब सब लोग बोल देते हैं सब लोग लिख लेते हैं सब कर देते हैं, तब जब एग्जाम में कॉपी चेक करता है सबकी वही गलती होती है। Multiplicity.
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है जीरो तो न्यू क्या होगा जीरो किस फॉर्मूले से इससे एन और न्यू पर रेशियो ठीक है जब एन बराबर 1 रहेगा तो न्यू क्या आएगा अंडर रूट यहां 1 लग देगी तो ये भी है
कन्वेयर होने चाहिए। ये क्या होते जनरली कलर है, कलर कुछ दिखेंगे कलर में, लेकिन मोस्टली क्या होगा कलर कलर किसको डिपेंड होता है। हम क्या बोल रहे हैं, एक अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो इसका वो पूछेगा कलर पूछेगा एलिमेंट का, चार्ज फॉर्म रहेगा तो पूछेगा कौन सा कलर रहेगा, सिंपल एलिमेंट का कलर पूछेगा। जितने चीजें हैं, क्वांटम नंबर है, कौन वाला, अभी ये बताऊंगी,
डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट, जनरेट अगर जनरेट उसका भी डी लॉ है, डीजनरेट
इलेक्ट्रॉन कितने? सिक्स, मतलब एन स्क्वायर। कितना ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल? एन स्क्वायर, एन कैरियर थ्री थ्री। तो एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? थ्री एन स्क्वायर। नहीं है, यही सबका टेस्ट हो जाएगा।
नहीं है वो देखना एम बराबर जीरो ऐसे कर लो माइनस का एन बराबर टू एल बराबर वन और एम इक्वल टू वन एस बराबर जीरो कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है मतलब कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं ये फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है कैसे एल इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है तो एल इज इक्वल्स टू 3 हो ही हां सही एल की वैल्यू क्या होगी एन माइनस 1 0 से 0 टू एन माइनस 1 अगर 2 1 0 रहता तो अलाउड रहता हां इक्वल्स नहीं होता नहीं हो सकता ये अलाउड नहीं है लिख लो एन कैन नॉट बी एल कैन नॉट बी इक्वल टू एन लिख लो एल कैन नॉट बी इक्वल टू एन सेकंड अलाउड है हाँ अलाउड है एन बराबर 4 है हाँ उससे कम है हाँ एन 0 भी तो होता है तब भी उसमें ऐसा आता तो है हाँ हाँ 0 भी सब भी बीच में 0 आता है और एस प्लस हाउ माइनस हाउ ठीक है थर्ड है अलाउड नहीं अलाउड क्यों क्योंकि इसमें एस 0 हो गया ना स्पीड कैन नॉट बी 0 स्पीड कैन नॉट बी 0 होता ही नहीं कभी 0 नहीं होता या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ कैन नॉट बी 0 फोर्थ अलाउड है नहीं है अलाउड क्योंकि इसमें एम की वैल्यू 5 दी हुई है तो कैसे हो जाएगा मैम 4 एल इज इक्वल्स टू 4 से आप डिवाइड करोगे एम की वैल्यू एल से ज्यादा नहीं हो सकती ये भी अलाउड नहीं होगा कौन कौन सा सही हो गया ये वाला ये वाला सेकंड सब सही बाकी ये सब क्या है नॉट अलाउड नॉट अलाउड अब इस 11 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये हो जाएगा ठीक
से और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से एरो से अपोजिट एरो से कहीं भी देखेंगे फुल एरो लिखा रहेगा मुझे फुल एरो दिया और पूरा ऐसे दिया होगा एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए एटॉमिक मास और उसके बाद और क्या लिखेंगे उसका ऑर्डर एलिमेंट पता चल गया उसका एटॉमिक नंबर पता चल गया मींस उसका इलेक्ट्रॉन पता चल गया ये जेड एलिमेंट पता चल गया उसका जेड पता चल गया अब उसके बाद किस ऑर्डर में भरना है वो तीन स्टेप जाएंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पहुंचेंगे इसको बताने के लिए पहला प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाउली प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल सिद्धांत वाला लिखना हेड वाला नहीं प्रिंसिपल कौन स्टूल
पूरा डबल लगा दिया ये रूल था बुक में दिया हुआ है अच्छे से डिटेल में देखें ना सभी ऑर्बिटल्स फिर पहले सिंबल भरेंगे देखने में तो पूरा लगा है एक साथ रखा हुआ लेकिन फिलिंग कैसे करते हैं पहले सिंगल पहले सिंगल सिंगल और फिर लिख रहे हो ये रूल बुक में दिया हुआ है अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं पैरेलल पैरेलल पहला वाला सही है दोनों गलत है बाकी पहला और ये लास्ट वाला सही है बाकी सब गलत है ये भी गलत है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला थर्ड वाला भी गलत है फोर्थ वाला सही है ये भी गलत है थोड़ा सा रेडियल पार्ट रह जाएगा वो शॉर्ट इंजन का उसका मैं लिख के एक पेज में स्कूल बंद रहेगा उससे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन मैं दे रही हूँ शॉर्टिंजर में क्वेश्चन हो गया है उसके बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ा दिया ग्राफ दिया हुआ है थोड़ा सा तो वो मैं एक पेज में करके दे दूंगी क्वेश्चन आता नहीं है हो सकता आ जाए पता नहीं ठीक है ये हो गया नीचे वाला हो गया देखिए हाफ फिल हाफ फिल हाफ फिल हाफ फिल एंड फुली फिल्ड फील्ड कौन सा भरने वाला एफ आई डबल एल ई डी हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर सबशेल्स आर मोर स्टेबल इस टाइप का और अगर इस टाइप का दिखे किसी का ये तो पी के लिए दिया मैंने अगर डी का भी दिखे तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके वाला लॉगिन इस तरह वाला मैम इन दोनों में से कौन सा हाफ वाला ज्यादा स्टेबल होगा फुल फुली फील्ड फुली फील्ड फुली फील्ड मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड हाफ फील्ड तो हाफ फील्ड क्या क्या हो सकता है हाफ फील्ड करके लिख लो लोअर से हायर की तरफ ले जाना लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड
इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फर्स्ट लिखना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड रूल ब्रैकेट कर लो एंड रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम फर्स्ट लिख लिखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ब्रैकेट लिख लो स्मॉल एंड रूल स्मॉल एंड एंड वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है मोर एंड देखो एरो करके लिखो मोर एंड मोर एनर्जी एनर्जी ऑर्बिटल क्या पहले फ्री हो जाता है एज कम्पेयर टू थ्री डी